तो दोस्तों हमने ट्रैक्टर को स्टार्ट कर दिया है, फिर से एक गियर की हम चाल दिखाएंगे। तो जी उसकी जगह पर हमको बताया था कि जो नीचे ये है जी रेड कलर में जो छोटा गियर है जी, यदि हम इसे आगे की तरफ करते हैं तो दोस्तों इसे मैं पहले जो ट्रैक्टर आते थे सोनाली का उसी गियर में चलाऊंगा, फिर आपको मीडियम चला के दिखाऊंगा। और दोस्तों एक खूबी और दी है इस ट्रैक्टर में, जो कि आपसे पहले सोनाली का DI-55 में थी। सब्सक्राइब करें उधम मैसलांग जी चैनल को, दबाए नोटिफिकेशन बेल को ट्रैक्टरों के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं सोनाली का 745 थर्ड, जो कि नए फ्यूचर के साथ है, और हमारे जो भाई देख रहे हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो जी? ठीक है सर। तो भाई थोड़ा परिचय करा दो अपना। मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी, जी। गांव भईन से हूँ जी, तहसील अतीन जिला पलवल है जी, जी। तो महेंद्र जी आपने सोनाली का 745 लिया है। हाँ जी। जो नया ट्रैक्टर आया है नए फ्यूचर के साथ, इसमें क्या खूबी है? इसमें एक तो जो हम लेने के लिए गए थे तो वहाँ पर हमको बताया गया था जी, जी इसे 2F के नाम से इसका नाम रखा गया है ट्रैक्टर सोनाली का 745 का जी, जी। तो ये डीलक्स मॉडल में है जी। और जी इसमें जो स्पीड जो गियरों की होती है जी, जैसे हम पहले में पहले जब हम चलाते थे पहले तो, सोनाली का 745 को हाँ जी, जी। तो वो पहले में या दूसरे में वही चाल होती थी जी। अब जो इधर इसमें जो नई जो जानकारी दी है जी हमें जी। वो इधर की तरफ है जी, इसमें जो लो और हाई की तरफ नीचे जो गियर है। एक मिनट, तो भाई हम इधर से दिखा रहे हैं आपको, दिखाना चाहता हूँ जी। जी जो लो, ये तो लो और हाई हो गया जी। हाँ ये तो पहले जो आते थे वही है। हाँ जी। हाँ पीछे की तरफ करते थे हाई है। हाँ ये जो आगे की तरफ करते हैं लो जाता है। बिल्कुल। तो जी उसकी जगह पर हमको बताया था कि जो नीचे ये है जी रेड कलर में जो छोटा गियर है जी, यदि हम इसे आगे की तरफ करते हैं जी, तो इसे यदि हम पहले गियर में ट्रैक्टर को चला रहे हैं तो उससे ट्रैक्टर की जो स्पीड है वो दुगनी हो जाती है जी, चाल ज्यादा है। हाँ प्रत्येक गियर में जी, जी पहले में भी, दूसरे, तीसरे, चौथे में भी जी। और जब हम इसे पीछे की तरफ लेते हैं जी, जी तो इसे ट्रैक्टर की गति है जो वो धीमी हो जाती है जी प्रत्येक गियर में, चाहे वो पहला हो या दूसरा हो या तीसरा हो या चौथा हो जी। अच्छा, तो दोस्तों भाई बता रहे हैं, महेंद्र जी बता रहे हैं, जो कि आम तौर से जो पहले ट्रैक्टर थे उसकी जो स्पीड है उसके मुकाबले जो ये लीवर आप देख रहे हैं इसको आगे की तरफ कर देते हैं तो इसकी स्टैंडर्ड जो चाल हो जाती है बढ़ जाती है, मतलब स्टैंडर्ड चाल बोलते हैं, और प्रत्येक गियर की। और जो इसे पीछे की तरफ कर देते हैं इधर तो इसकी लो चाल हो जाती है प्रत्येक गियर की। तो भाई बहुत अच्छा फ्यूचर दिया कंपनी ने। तो मेरे को भी कंपनी वालों ने बताया था, कुछ हम नया ट्रैक्टर लॉन्च कर रहे हैं 1,39,000 कस्टमर की डिमांड के ऊपर, जो 1,39,000 ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा बिके हैं उसकी खुशी के ऊपर, कस्टमर की डिमांड के ऊपर सोनालिका ने नया ट्रैक्टर लॉन्च किया, तो वो यही है। हाँ जी यही है जी। तो इसकी हम लोग भाइयों, हम आप सभी भाइयों को इसकी चाल दिखाएंगे। आप ये ट्रैक्टर को स्टार्ट करना। तो दोस्तों हमने ट्रैक्टर को स्टार्ट कर दिया है, फिर से एक गियर की हम चाल दिखाएंगे। तो दोस्तों हमने ट्रैक्टर को चला दिया है, इसे पहले जैसे चलता था, पहले आता था ट्रैक्टर उस गियर में चलाओ, पहले के हाई में, और इसको वहीं चलाओ, इसको आगे करो, आप इस गियर को आगे करो। इसका पहला हाई हो गया, इसका एक्सीलेटर करना, आपको एक्सीलेटर छेड़ना ही नहीं है। हमने इसे 1300 RPM पर कर दिया है, और चलाओ चलाओ। जो दोस्तों इसकी स्पीड है वो पहले घाय की 13 की स्पीड है, ये देखिए आप। बस जी बस, और हमें से अब गियर को पीछे की तरफ करवाते हैं, वही एक्सीलेटर है, इसका एक्सीलेटर नहीं छेड़ना है, पीछे की तरफ कर दो, पीछे लग गया तो चलाइए, छोड़ दो, बैक क्यों लगा रहे हो, पहले घाय में रहने दो, चलन दो। ये देखिए जो पहले स्पीड थी उससे बहुत कम चाल है, अब यहीं के यहीं उसे आगे की तरफ कर दो, लाल को आगे की तरफ कर दो, आगे को बस, आगे चलन दो, चलाओ चलाओ। ये देखिए दोस्तों कितनी स्पीड बढ़ गई है, जो कि इसका जो रेड कलर का आप लीवर देख रहे हैं
वो दोस्तों आगे की तरफ करने पर ट्रैक्टर की हर गियर की चाल बढ़ जाती है, और जब उसे पीछे की तरफ करते हैं तो उसकी लो चाल हो जाती है, मतलब कम चाल हो जाती है। देखिए आप, अब इसकी बैक चाल है, ये बैक चाल है ये। बस बस जी बस, अब लीवर आगे कर दो, लीवर आगे कर दो। अब दोस्तों बैक में ही वही 1300 RPM है, चलाओ चलाओ। ये देखिए कितनी स्पीड हो जाती है ट्रैक्टर में। जो नई फ्यूचर दिया है कंपनी ने, बहुत अच्छा फ्यूचर दिया है, जिसे 2X के नाम से लॉन्च किया है। ये देखिए आप, दूसरे गियर में लगाना जी, आगे की तरफ करके दूसरे गियर में चलाओ। एक्सलेटर यहाँ रहने देना, चलाओ। ये देखिए इसके दूसरे की चाल है। बस जी बस बस, उसे अब पीछे कर दो। तो दोस्तों इसको पीछे कर दिया, चलाओ आगे की चलो। ये देखिए बहुत डिफरेंस है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी दी है कंपनी ने। अब बैक में, हेलो, बैक में लो चाल दिखाओ, इसे हाई में इसका बैक गियर लगाओ, लो लगा दो यहाँ से, चलाओ इसे। आग हाई में रहने देना, इसे चलाओ, आगे लो कर दो इसे, लो हाँ चलाओ। ये देखिए इसकी जो लो की चाल है, जो पहले कंपनी ने ट्रैक्टरों में दिया था वो लो चाल है। अब इस रेड लीवर को पीछे की तरफ कर दो, पीछे की तरफ कर दो, और भी का लगाओ, चलाओ। अभी लगा नहीं है, लगा नहीं है, अभी दोबारा से लगाओ, यही चलाओ, दोबारा से लगाओ उसे अच्छे से। तो दोस्तों जो हमारे महेंद्र रावत जी हैं, वो अभी नए हैं, इस ट्रैक्टर का रिव्यू मैं करके दिखाऊंगा। और इधर आप देख रहे हैं ईश्वर तेवतिया जी, ये सोनालिका से ही हैं। तो इसे मैं, तो दोस्तों इसे मैं पहले जो ट्रैक्टर आते थे सोनालिका, उसी गियर में चलाऊंगा, फिर आपको मीडियम चला के दिखाऊंगा, मतलब जो इसकी कम चाल है। दोस्तों इसे चलाऊंगा मैं बैक में, बैक गियर में चला करके दिखाऊंगा, जो पहले ट्रैक्टर आते थे बैक गियर लगा दिया, इसका हाई लगा दिया, और तीसरा गियर इसका जो ये है इसको भी आगे कर दिया हाई में। ये देखो दोस्तों, जो ये लीवर दिया है 2S के नाम से, इसका हर गियर की दुगनी स्पीड हो जाती है। मेरे हिसाब से 16+4 है ये, और ट्रैक्टर में बहुत अच्छी सुविधा दी है, काफ़ी अच्छी दम दिखाएगा ट्रैक्टर, बहुत अच्छा ट्रांसमिशन गियर बॉक्स है इसका। और इसकी मैं दूसरे की हाई की चाल दिखाऊंगा, दूसरे गियर हमने दूसरे में लगा दिया है, हाई कर दिया, इसे हम आगे की तरफ लगे। तो दोस्तों हमने ट्रैक्टर को रोक दिया है, जैसे
मान लीजिए हम दूसरे गियर में ट्रैक्टर चला रहे हैं और पीछे लोड ज़्यादा है और हाई में चला हुआ है और पहले के हाई की स्पीड है वो हमको कम लगती है और हम उसे मीडियम मतलब दूसरे में चलाते हैं तो ट्रैक्टर दबता है, तो उसका सिस्टम ये कर दिया कंपनी ने 2x के नाम से, इस लीवर को हम पीछे की तरफ लगाएंगे तो पहले से ज़्यादा और दूसरे से कम, यानी कि जैसे दूसरे गियर की चार पॉइंट मतलब एक मतलब आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, दूसरे गियर की जो चार पॉइंट रेस होती है मतलब उसकी आरपीएम होते हैं और हम इसे पीछे की तरफ कर देते हैं, 3.5 या 3 के करीब ट्रैक्टर हो जाता है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी दी है ट्रैक्टर में। तो दोस्तों आप पहले से देखते होंगे जो प्रो मॉडल है उसमें बाहर से दिखने वाले आइटम मैं आपको बता दूं, जैसे कि प्रो बम्पर है और ये LED लाइट है, DLX मॉडल है, मेटेलिक कलर है, बहुत अच्छी जो मतलब ट्रैक्टर ने अपनी जो गियरबॉक्स की क्षमता वो दिखाई और इसकी लुक देख सकते हो कितनी अच्छी लुक है, इस ट्रैक्टर को भी प्रो बम्पर में कर दिया है, जैसे कि पहले सेटल गियर में 750 आया था, DLX DI55 आया था और DI50 आया था, तो 745 को भी अब DLX मॉडल कर दिया है और सारे फीचर मैंने आप लोगों को बता दिए। हर गियर की स्पीड बढ़ जाती है इस छोटे गियर से, ये देखिए आप ये छोटा वाला गियर है, इसे हम आगे की तरफ करते हैं तो हर गियर की स्पीड बढ़ती है, इसका पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, कोई सा भी गियर हो, जब इसे हम पीछे की तरफ करते हैं तो सभी गियर की जैसे हम पहले में चला रहे हैं और हमारी स्पीड मान लीजिए 1300 है, एक छोटी सी मैं आपको बता दूँ, और हम इसे जब हम पीछे की तरफ करते हैं तो 1300 की जगह ये ट्रैक्टर 1100 पे आ जाएगा, मतलब इसकी चाल ट्रैक्टर की जो गियर बॉक्स की चाल है वो कम हो जाएगी। तो महेंद्र जी जैसे कि अब नया ट्रैक्टर है, नए फ्यूचर के साथ है, इसकी जो माइलेज है डीजल के बारे में आप लोगों को बताया था उन्होंने, क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि जब हम इस गियर का इस्तेमाल करेंगे ये छोटे वाले का हाँ जी, तो प्रत्येक जितने भी ट्रैक्टर हैं जी सभी ट्रैक्टरों से ये ट्रैक्टर जी 100 से 150 ग्राम तेल सभी ट्रैक्टरों से कम खाएगा। अच्छा, प्रत्येक कार्य में चाहे वो सड़क मार्ग हो या खेतों का काम हो जी। तो दोस्तों हमारे महेंद्र जी बता रहे हैं जैसे कि कंपनी वालों ने बताया इस ट्रैक्टर को इस लीवर को यूज करने से सभी कंपनी के ट्रैक्टर है कोई भी 50 पावर की जो कैटेगरी के हैं उनके बराबर चलाने के बाद ये ट्रैक्टर उनसे 100 से 150 ग्राम तेल कम खाएगा हर लोड पर, कल्टी हो या हैरो हो या सड़क का लोड हो, कोई भी लोड हो या रूटावेटर का हो, कोई भी हो। और दोस्तों एक खूबी और दी है इस ट्रैक्टर में जो कि आपसे पहले सोनालिका DI55 में थी और उसके नेक्स्ट टाइम सोनालिका DI50 में थी और उसके फिर नेक्स्ट टाइम अब सोनालिका 745 में दे दी है, जो 50 पावर का ट्रैक्टर है उसकी जो मैं आपको बता दूं जो इसकी लिफ्ट सेंसिंग है, ये देखिए आप इसकी लिफ्ट सेंसिंग जैसे DI55 की थी DI50 की थी, मान लीजिए हम दोनों लीवरों को हम टिलर में नीचे कर देते हैं तो इसकी लिफ्ट सेंसिंग इतनी अच्छी होती है, ट्रैक्टर पहले के हाई में हो या चौथे के लो में हो या कोई भी हो, कोई सा गियर यूज कर रहे हो, मान लीजिए जैसे हम तीसरे के लो में चला रहे हैं भयंकर लोड में या पिलाऊ में जैसे भी है, तो ये दोनों लीवर डाल देते हैं, बहुत अच्छी लिफ्ट सेंसिंग दिखाती है, ट्रैक्टर फिर भी नहीं रुकता, ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी दी है कंपनी ने जो कि अब से पहले मैसी को मशहूर कर बताते थे लिफ्ट के मामले में, मेरे हिसाब से मैसी से भी ऊपर है, इसको दोनों लीवर हम नीचे डाल देंगे, ये नई टेक्नोलॉजी के साथ इसका लिफ्ट सेंसिंग का जो आप डैशबोर्ड देख रहे हैं बहुत अच्छी सुविधा दी है कि दोनों लीवर डाल करके आपने कई बार मैंने आपको लोगों को वीडियो बना के दिखाई कि DI55 और DI50 दोनों लीवर डाल करके नहीं रुकते थे, तो वही सुविधा इसमें दे दी है। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बचाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी